जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। सदे श्री दीपराज्य विद्या दा। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु। परम दयाल परम प्रेम श्री ठाकुर जी के चरणों में भक्ति पूर्ण प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री वरवा के चरणों में भक्ति पूर्ण प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री वरदा के चरणों में भक्ति पूर्ण प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव के चरणों में भक्ति पूर्ण प्रणाम। समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा भक्ति पूर्ण प्रणाम। आज इस ऑनलाइन सत्संग में आपके बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मिला, बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। अभी जो कीर्तन सुना हम लोगों ने, क्या आपको लगता है इनको जीवन में ऑक्सीजन लेवल की कमी की संभावना है? क्या आपको लगता है कि इनको कोरोना काल का वायरस आके इनको अटैक करके आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने का समस्या बन सकता है, ऐसा संभव है? ये संपूर्ण रूप से दिखाई पड़ रहा है, चाहे कितना भी उम्र हो दादा का, नहीं इतना एनर्जी लेवल हमारे शारीरिक संरचना के हर शारीरिक कोना कोना को प्रफुल्लित कर देता है। इसीलिए हम जो है कहते हैं कि हम सर्वशक्तिमान दिखाई पड़ते हैं। आज इस कोरोना काल में, विपत्ति काल में, केवल यही सत्संगी जो पूरे विश्व में दिखाई पड़ रहा है और इतनी विशाल रूप और कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ये इसलिए है कि हम लोग विशाल के साथ युक्त है। हम लोग तो जानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, और विपत्ति काल आते हैं तो उनके पास दौड़ दौड़ के जाते हैं कि प्रभु हमको विपत्ति से बचाइए, विपत्ति से उद्धार करिए, रक्षा करिए। ये जो विपत्ति काल आया, सब लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है। किसी को पूछा जाए कि कलयुग है क्या, कोई नहीं बता पाएगा। एक धारणा है कि कलयुग एक ऐसा युग है जिस युग में हर लोगों के अंदर, हर घर में विनाशकारी शक्ति कैरेक्टरिस्टिक रूप ले चुका है, जिसकी वजह से हो सकता है ये कलयुग हो और इस विपत्ति काल में दिखाई पड़ रहा है। और यह भी दिखाई पड़ रहा है, सत्संगी लोग कितना आनंद कर रहे हैं। अभी तो आप लोग के यहां मैं जुड़ा, इसके पहले मैंने, मुझे बोलना था ओमान में। ओमान के बाद 4 बजे यहां आपके यहां जुड़ रहा था, मैं जगह खोज रहा था घर में। हम लगाए हुए थे, 4 बजे से ही आपके साथ कनेक्टेड थे, मगर एक कमरे में मेरी पत्नी एक मातृ सम्मेलन में आलोचना कर रही थी, एक कमरे में मेरी बहू आलोचना कर वो संगीतांजलि कर रही थी, एक कमरे में मेरी पोता ग्रैंडसन वो पाठ कर रहे थे। हम कमरा खोज रहे थे कि कहां मैं बैठूं, और ये इंतजार कर रहे थे किसी एक का स्वाद। तो ठाकुर घर में हमारी पत्नी बैठी थी, विष्ट आलोचना कर रही थी, और सोचे ठाकुर घर में ही बैठ क्यों ना करे, और हम छेदा से देख रहे थे कि उनका समाप्त हुआ, इंतजार कर रहे थे। 2 मिनट पहले उन्हें समाप्त हुआ, 2 मिनट में हम आपके पास आ गए ठाकुर घर में। जिस समय पूरे दुनिया के पास काम नहीं है, उस समय हम लोगों के पास समय नहीं है। यही प्राप्ति हम लोग प्रभु के पास, भगवान को इसीलिए जरूरत है, ईश्वर को जरूरत है, फादर को जरूरत है, पिता को जरूरत है, यह प्राप्ति संभव होने के लिए कि हमारे शारीरिक संरचना जीवन काल का संपूर्ण उपभोग जीवन वर्धन के साथ शक्तिशाली रूप में हम कर सके, यही तो प्राप्ति है। नहीं तो भगवान तो हम लोग जानते हैं, अब भगवान को बैठा के रखे हैं अलग अलग जगह, विपत्ति काल में ज्यादा उनके पास पहुंच जाते हैं कि प्रभु बचाओ, और इस उद्देश्य से जाते हैं प्रभु हमको विपत्ति से रक्षा करेगा, और उनको 33 करोड़ बना के रखे हैं। इसलिए ये नहीं बचा पाएंगे तो उनके पास जाएंगे, वो नहीं बचा पाएंगे तो उनके पास जाएंगे, ऐसे सारा जीवन घूमते रहेंगे मगर भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा। उस भगवान को सब जानते हैं, कोई भगवान बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलते हैं, कोई खुदा बोलते हैं, कोई प्रॉफेट बोलते हैं, कोई पैगंबर बोलते हैं, कोई ईश्वर बोलते हैं, अलग अलग नाम से उनको पुकारते हैं,
और 33 करोड़ बना के रखने से, वो 33 करोड़ के साथ हम लोगों को जानते हैं वही सर्वशक्तिमान है। इस विपत्ति काल में हम लोगों ने देखा कि जहां जो डॉक्टर हम लोगों को बचाने वाला, जिनका बचाना हमारे जिंदगी को बचाने का काम उनका था, वो भी भयभीत था, प्रशासन भयभीत था, केवल हम लोग भगवान को खोज रहे थे कि भगवान कहां मिले, और भगवान भी सुनते हैं कि दरवाजा बंद करके बैठे थे। तो यही जो भगवान को हम लोग जानते हैं, उनके आशीर्वाद से जो हमारी सारी संपन्नता, सारी शक्तियां, सारी विपत्ति से दूर हो जाते हैं, उसी भगवान को हम जीवंत रूप में नहीं रखते, काल्पनिक रूप दे के रखते हैं। और काल्पनिक देव रूप दे के रखने से होता क्या है, वो हमको दिशा निर्देश नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते, टोक नहीं पाते, क्योंकि जीवंत रूप में नहीं है। किताब में तो बहुत ज्ञान, बहुत पोथी आप खरीद के रख सकते हैं घर में, बहुत पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, मगर जीवंत रूप में अगर उनको जब पाते हैं तो सारी पोथी, सारी ग्रंथ एक तरफ रहता है, केवल उनको प्यार करने लगते हैं तो सारी प्राप्ति हमारे जीवन में हो जाती है। जितना पोथी से, ग्रंथ से हमारा ज्ञान होता है, तो सारा ज्ञान हमको जीवन में उपलब्धि होती है। यही है दादा का जो कीर्तन, ठाकुर जी कितना कीर्तन प्रिय थे सबको पता है, और ऐसा कीर्तन करते थे, और इसका जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन जो क्रिएट करते हैं, जहां जो कीर्तन होता है, ये वाइब्रेशन जो क्रिएट करते हैं, आसपास की जो है शक्ति जागृत हो जाती है। जैसे वाइब्रेशन कितना महत्वपूर्ण है आप सब जानते हैं, हम यहां से बनारस से शब्द बोल रहे हैं, आप रामगढ़ में सुन रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है वाइब्रेशन। और हम लोग जो है भगवान भगवान करके खोज के उस कारण को नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि कारण को समझाने वाले को ठाकुर जी कहता है, धर्म को जानने का मतलब विषय के मूल कारण को जानना, जिस कारण को अगर हम जान लेंगे तो सारी चीजें हमको जो है साधारण सा लगने लगेगा, असाधारण सा लगने लगेगा, तो हमको उनसे अच्छा लगने लगेगा, हम उनके साथ जुड़े रहेंगे, यह तब शक्ति सारी ऑटोमेटिकली जागृत हो जाएगा। बहुत सारी किताबी ज्ञान पढ़ने से यह शक्तियां जागृत नहीं होता, ज्ञान हो सकता है, हमको जानकारी बहुत हो सकता है। जैसे सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, शराब की बोतल में लिखा रहता है अल्कोहल ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, खैनी के पैकेट में भीभत्स चित्र देके बनाया जाता है कि खैनी खाने से ऐसी आपकी जो है रूप हो जाएगा, हम जानते हैं है भी है, मगर उसको हम छोड़ नहीं पाते, वो कंट्रोलिंग पावर हमारे पास नहीं है। वो कंट्रोलिंग पावर इसलिए नहीं है, ईश्वर ने हमको एक चीज जो गिफ्ट के रूप में दिया है, वो है वृत्ति प्रवृत्ति काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। एक हमारे मन में लोभ हो या किसी भी हो, जो वृत्ति प्रवृत्ति, उसके कारण हमारे मन में उनको जो है छोड़ने का, जानते हुए कि हमको मृत्यु की तरफ ले जाएगा, फिर भी हम नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, सरकार ने लिख दिया, डॉक्टरों ने लिख दिया, हम जानते हैं फिर भी नहीं छोड़ पाते हैं, उसको पीते रहते हैं, उसको लेते रहते हैं। मगर वही जब घर पे आ जाते हैं, वही घर पे आ जाते हैं, तो हम पिताजी के सामने, माता जी के सामने सिगरेट नहीं पीते, वही घर के सदस्य के सामने सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, क्यों? घर में जो है वो हमारा जीवंत रूप में है, और वो जिसमें लिखा हुआ है वो जीवंत नहीं है, उसको हम देख सकते हैं, ज्ञान वृद्धि हो सकता है, उनको अनुभव कर सकते हैं, उनको जो है जीवन में अपना नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो जीवन काल, जो ईश्वर की परिकल्पना से हम ईश्वर के साथ युक्त होते हैं, 33 करोड़ देवता जो भी हो, वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो हम कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम धर्म, हम बोलते हैं गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, मगर सारा जीवन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को खोज रहे हैं, और गुरु के शरण में आकर भी खोज रहे हैं, देखिए क्या विलंब बना है। तो हमको कहां से सुधार होना चाहिए, वही सुधार प्रभु आके हर युग में, वही 33 करोड़ देवता जो हम बना के रखे, ठाकुर जी आलोचना प्रसंग में बोलते हैं, वही 33 करोड़, उनके पूछा गया 33 करोड़ देवता हम कैसे पाएंगे,
सारा जीवन तो उनको ढूंढते ढूंढते मिल जाएगा, ढूंढते ढूंढते हमको प्राप्त नहीं होगा, हमारे जीवन में दौड़ भाग करते करते चला जाएगा, हमारे जीवन में अवसाद आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, क्लांति आ जाएगा, मगर भगवान नहीं मिलेंगे। मगर वही भगवान हर सत्संगी के आज बीच में दिखाई पड़ रहा है, वो देखते हैं। वही 33 करोड़ देवता, ठाकुर जी कहते हैं 33 करोड़ देवता इस धराधाम में दिखाई पड़ेगा। हर मनुष्य के अंदर देवत्व का गुण जागृत जब हो जाएगा, ठाकुरत्व जागृत हो जाएगा, जो मानव से महामानव बन जाएंगे, तो वही 33 करोड़ हमारे पास दिखाई पड़ेगा, हमारे साथ में दिखाई पड़ेगा, जीवंत आदर्श के रूप में। कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल्पना करने से क्या होता है, हमारे अंदर एक जो भय का सृष्टि होता है, भय बहुत खतरनाक चीज है, उस भय हमारे अंदर डेवलप करता रहता है। एक कल्पनीय रूप भगवान को अगर दे देते हैं और उनकी दिशा निर्देश जब नहीं मिलता, हम गलत रास्ता भी उस चयन कर लेते हैं। एक डकैत मार डकैती करने जाता है, वो भी मां काली के पैर छू के जाता है, मां टोक नहीं पाते, वो करता है, गलत दिशा में जा रहा, मां देख रहे हैं, मगर उनको रोक, क्योंकि उनको एक जीवन के रूप में नहीं पाए। वही घर में अगर रहेगा हमारी पत्नी के रूप में, हमारे माँ के रूप में, हमारे पिता के रूप में, वो हमको टोकेगा, जाने नहीं देगा। इसीलिए जीवन तो उनको होना जरूरी है। वही भगवान जिनका हम सब कुछ पाना चाहते हैं आशीर्वाद, वही भगवान को जीवन तो रूप में हमको पाना जरूरी है। मगर उसी लिए हम गलती करते हैं, तो वो तो गलती नहीं करते, वो तो सृष्टि किए हैं, मनुष्य को सृष्टि किए हैं। और मनुष्य का जीवन अगर सुंदर नहीं होगा तो वो भी खुश नहीं रहेंगे, वो तो पिता है, सृष्टिकर्ता है, इसीलिए वो हर युग में यही मानव रूप धारण करके आते हैं। जो शारीरिक संरचना उन्होंने हमको दिया, उसी शारीरिक संरचना में वो आते हैं। कोई 10 सर, 10 हाथ, 10 पैर, 10 कुछ अलग से नहीं लाते हैं, वही सभी जो हमारे पास है वही सब चीज धारण करके आते हैं, और हम उनको पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। कभी राम, कभी कृष्ण, कभी बुद्ध, कभी जीसस, कभी हजरत मोहम्मद, कभी चैतन्य महाप्रभु, कभी रामकृष्ण परमहंसदेव। आज इस कलयुग चल रहा है, कलयुग है क्या, किसी को पता है कलयुग है क्या, कोई बता सकता है कलयुग है क्या? ये एक धारणा है, जिस युग में हर व्यक्ति के अंदर कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए विनाशकारी शक्ति, उसी को कलयुग कहते हैं। और जो कलयुग है, वो कलयुग की वजह से हम जब कल्पनिक रूप में भगवान को दे देते हैं, तो हमारे अंदर जो भय की धारणा सृष्टि हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहता। अब कॉन्फिडेंस, ये जो दादा कीर्तन करे तो उनका कितना कॉन्फिडेंस है, कितना भी उम्र हो, ठाकुर बाड़ी में आप जाइए देखिए कितने उम्रदार लोग, कितने उनके पास बोलने की शक्ति क्षमता, उनके आकर्षणीय व्यक्तित्व, उनके पास कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। अगर ईश्वर को काल्पनिक रूप दे देते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा डाउन हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। जैसे एक लड़का पढ़ाई किया, जिस दिन उसको परीक्षा है उसके पैर दिन, उस दिन क्या करता है, सारे घर के देवी देवताओं को पैर छू के जाता है, चाहे वो कैलेंडर में हो चाहे कहीं भी हो, 364 दिन नहीं जाता है, क्योंकि वो जानता है सब सीखा है, सब जानकारी है, मगर उसका वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर हम परीक्षा स्थल में जाएंगे, अगर पता नहीं लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, अगर प्रभु का पैर छूके जाएंगे, भगवान का पैर छूके जाएंगे, तो हम सब कुछ कर पाएंगे, हमको सारी चीजें जानकारी, हम जो है फेल नहीं करेंगे, हमसे छूटेगा नहीं, ये कॉन्फिडेंस। जब प्रभु को काल्पनिक रूप देते हैं तो कॉन्फिडेंस हमारे जीवन में नहीं आता, इसीलिए प्रभु हर युग में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण आए, अर्जुन जैसा धनुर्धर, उनके पास इतनी शक्ति, उनके जैसे धनुर्धर कोई था नहीं, वो भी जब जीवन युद्ध में आया, धर्म युद्ध बोलिए जीवन युद्ध बोलिए, वो भी अपना धनुष बाण को रख दिया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया, डिप्रेशन में आ गया, बोले कि इस युद्ध हम नहीं करेंगे, हमारे परिवार के लोगों को हत्या करके इतना बड़ा पाप नहीं करेंगे। तब प्रभु श्री कृष्ण उनको दीक्षा प्रदान करके अपने कंट्रोल में ले लिए। ये दीक्षा प्रदान कर, दीक्षा पाने से हम प्रभु के कंट्रोल में हमारा जीवन आ जाता। तब उन्होंने जो है उसका ज्ञान जब खुला, दीक्षा प्रदान की, गीता का उपदेश, उनका ज्ञान का द्वार खुला, तब उसने जो है युद्ध किए, और युद्ध करके प्रभु को उस युग के पुरुषोत्तम को अपना
युद्ध के रथ का सारथी बना दी। अब उनके दिशा निर्देश से चल रहा है और फिर युद्ध का जीत हासिल हुआ। जो भी हो, ये बहुत ही आवश्यक है कि प्रभु को जीवंत रूप में पाना, और जीवंत रूप में जब पाते हैं तब उसी हिसाब से हम उनको विश्लेषण करते हैं, उसी हिसाब से हम उनकी प्राप्ति होती है। उनको हमको ऐसी विधान देते हैं, उस युग के अनुसार विधान देते हैं। जब युग के अनुसार हमको विधान देते हैं तब उसी को कर्म को जैसे इष्टवृत्ति, कितना सुंदर विधान ठाकुर ने, ठाकुर जी ने युग दी, युग में हम लोग विशेष रूप से दिया। हम इष्टवृत्ति सवेरे उठकर करते हैं, अर्ली मॉर्निंग में। और कैसे करते हैं? हमारे जो उपार्जन है उस उपार्जन से एक अंश उनको देते हैं। जिस उपार्जन से हम परिवार को सुखी रखना चाहते हैं, उस उपार्जन को बढ़ाना चाहते हैं, उसी उपार्जन के एक अंश प्रभु को दे देते हैं। जब प्रभु को दे देते हैं तब प्रभु को अपना बना ले, दया करे ग्रहण करने के लिए। जब वो दया करे ग्रहण करता है, इसका मतलब वो 33 करोड़ देवता आसमान में नहीं रह सकता, वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे पिता के तरह, बंधु के तरह, भगवान के तरह वो नहीं रहते हैं, हमारे पिता के तरह रहते हैं, बंधु के तरह, सखा के तरह, और उनकी हमेशा सान्निध्य हमको प्राप्त होता है। ठाकुर जी यही आके किए, दो चीज में हम भगवान के पास जाते, एक तो हमारे मन में भय, भय के कारण हम भगवान के पास जाते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पाप हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, बहुत सारी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है ना, इसीलिए भय के कारण जाते हैं। और जब भय कर दूर, ठाकुर जी क्या किए, इतना बड़ा ठाकुर जी आके इतना बड़ा विशाल साम्राज्य जो तैयार किया, एक जगह बैठ, एक जगह बैठे सारी विशाल करोड़ों करोड़ों लोगों को अपने पास कर लिए। क्या क्या उन्होंने किया, क्या हमारे पास था जो हमको जानकारी नहीं था, उसका वो जागरण करके इतना सुंदर बना दिए सत्संग जगत, प्रेम के माध्यम से। हम उनके पास बैठे रहते हैं, आचार्य देव के पास बैठे रहते हैं, उनको देखते हैं, वो हमको देखते हैं, वो जितना देर बैठते हैं हम लोग भी उतना देर बैठते हैं, उनका उठना चलना बोलना सारी चीजें हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे अंदर उनके साथ एक प्रेम का संबंध है, जिसकी वजह से हमको उनको उनका हर चीज अच्छा लगता है। इसीलिए वो प्रेम का संबंध जब डेवलप हो गया, वो प्रेम के संबंध डेवलप होने की वजह से आज जो है उनके पास आके, हम लोग तो बहुत जग आयोजन, बहुत पूजा पाठ कुछ नहीं करते हैं, केवल उनके पास जाके बैठे रहते हैं। उनका हर चीज हमको, वो एक दृष्टि अगर हमारे ऊपर डाल दे तो वो दृष्टि से हम खुश हो जाते हैं। क्या है जिसकी वजह से ऐसी उनके प्रति, और ये जो देवघर, देवघर में हम लोग तो शिमला कुल्लू मनाली में एक बार गए, दो बार गए, उससे ज्यादा जाना नहीं था, तो वहां तो गए थे, दूसरे जगह चलेंगे। देवघर हर समय बोलते हैं कि देवघर चलेंगे, क्यों? वही जो प्रेम का संचारण जागृत कर दिया, जो हमारे अंदर था, मैंने उसको जागृत नहीं किया, कर पाया नहीं, मुझको जानकारी नहीं था। वो मनुष्य को अपना बनाकर, सारे संसार के मनुष्य को अपना बनाकर, जो इस मनुष्य का कारखाना खोलकर मनुष्य को अपना बनाकर इतना विशाल साम्राज्य तैयार किए, यही श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो है देन है। वो जब भी पुरुषोत्तम आते हैं हर युग में, वो एक ही बात करते हैं, मनुष्य कल्याण के लिए वो आते हैं। हर युग में उनको आना पड़ता है कि हर युग के अनुसार जो है परिस्थिति अलग होती है, विधानों में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। जो विधान भगवान कृष्ण दे के गए थे, वो विधान अगर इस समय लागू हो तो हम, हो सकता है कर ना पाए। इसीलिए मगर वो बात एक ही चीज बोलते हैं, बोलते हैं, देखिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदा यदा ही धर्म शिकला निर्भवति वार्धभूतानां अधर्मस्य तदात्मानं सृजानां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुष्कृत को विनाश करके मनुष्य को रक्षा करना, इसीलिए हमारा आगमन का उद्देश्य है। उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने खुद युद्ध नहीं किए, अपने भक्तों के द्वारा कराया, जो भक्तों की सृष्टि उन्होंने किया, और वो युद्ध किए, वो विपत्ति। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ठाकुर बाड़ी में जाते हैं आचार्य देव के सामने, विपत्ति का लिस्ट लाइन लेके खड़े हो जाते हैं कि प्रभु हमारे लिए युद्ध करे, हमको विपत्ति से रक्षा हो जाए, हमको युद्ध न करना पड़े, हम युद्ध को हमारे जीवन से दूर भगा दे, प्रभु प्रभु युद्ध करे। प्रभु तो, प्रभु तो युद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे अस्त्र तो वो हमको दे के रखे हैं, मगर हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। हमारी इच्छा वही निरलस बोलते हैं ना, हमें अक्रोधी, हमें अमानी, हमें निरलस बोलते हैं, ठाकुर सभी बोलवा लिए और वो चीज हमसे ठीक करा लेते हैं। हम लोग वही विपत्ति का लिस्ट लेके जाते हैं, प्रभु युद्ध करे, मगर उनके पास है क्या, उनके पास सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन चक्र है।
उस सुदर्शन चक्र किसी को नहीं दिए, वो अपने पास रखते हैं। जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का अगर दुष्प्रयोग कर देगा तो ये विश्व ब्रह्मांड उनकी सृष्टि एक साथ विनाश हो जाए, इसीलिए वो अपने पास रखे हैं और उनका वो प्रयोग करते हैं बार बार। ये सत्संग करोड़ों करोड़ों सत्संग जगत में भक्तगण जो है जानते हैं कि कितनी बार, मैं तो खुद जानता हूं हमारे परिवार का। मैं, मेरा दादी जी ठाकुर जी हिमायतपुर में, अपना हिमायतपुर में उनका दीक्षा हुआ, तो उनके पास हमारे पिताजी, हमारे बड़े पिताजी या बड़े पिताजी के लड़के, और रिसेंटली जो हमारे पत्नी का घटना हुआ, सब बहुत लोग जानते हैं। प्रभु सुदर्शन चक्र चला के जमराज से लेके आया, मैंने खुद देखा आंखों से। वो सुदर्शन चक्र चलाते हैं जो जो मजबूर हो जाता है चलाने के लिए। हमारे कर्म जीव, हमारे उनका प्रति प्रेम इस तरीके से जागृत होता है, वो मजबूर हो जाते हैं। एक पिता के रूप में जब रहते हैं, पिता अपने पुत्र के किसी भी दुख को देखकर वो किसी भी चीज को परवाह नहीं करते, परवाह नहीं करता, उसको निदान के लिए वो तैयार हो रहते हैं, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, यही तो है। अब वही चीज प्रभु के साथ, प्रभु ने हमारे बीच किया, हमारे बीच उनका एक संबंध प्रेम का जो जागरण कर, इसीलिए उनको कहते हैं परम प्रेम हमारे। अब वही ठाकुर जी आके क्या कहते हैं, कृष्ण जी आके कहते हैं कि जो है विनाशकारी शक्ति को विनाश करने का उनका आगमन का उद्देश्य। ठाकुर जी क्या कहते हैं, धर्म जखन विपाक वाहिनी व्यर्थ अर्थे दाय प्रेरित तखन आविर्भूत हन पापी परित्राण पाए। भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब आए तब वो कहते हैं पापी को विनाश करने का हमारा आगमन का उद्देश्य उन्होंने किया। और वही श्री कृष्ण जब अनुकूल चंद्र के रूप में इस कलि युग में आए तो पापी को परित्राण देने की बात करते हैं, दोनों उल्टा। क्यों? वो जो भगवान श्री कृष्ण आए थे उस समय विनाशकारी शक्ति कम था, एक ही रावण था, एक ही कंस था, उनको विनाश करके ही मानव कल्याण करना और धर्म का स्थापना करना वो उन्होंने किया, करके दिखाया। और ठाकुर जी के समय हर व्यक्ति के कैरेक्टर के अंदर वो विनाशकारी शक्ति डेवलप, हर मनुष्य के कैरेक्टर के अंदर वो डेवलप हो गया है। ऐसे युग में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में आए और उस कैरेक्टर के साथ तो हम युद्ध नहीं कर सकते, उनको भाला बल्लम तीर धनुक से युद्ध कर सकते हैं क्या? इसीलिए उन्होंने पापी को परित्राण देने की बात करते हैं, बोलते हैं कि दशु रत्नाकर से वाल्मीकि मुनि बना देना, हर मनुष्य के अंदर ईश्वरत्व को जागृत कर देना, देवत्व को जागृत कर देना, वही 33 करोड़ देवता जो हमारे सामने दिखाई पड़ेंगे, वही 33 करोड़ है, वही करके दिखाए। और उनके प्रति प्रेम से क्या, जो आप पूर्व पुरुषोत्तम किसी का भी देखिए, आप हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी को बाबू राम के पास कितना प्यार था, कितना प्रेम था, वो कुछ नहीं देखते थे, उनको प्रभु राम को केवल अच्छा लगने लगा। और वो माला दिया गया, सुनते हैं एक माला को, उनको मोती का माला था, बहुत कॉस्टली माला था, मूल्यवान माला था, वो माला तोड़ तोड़ के देख रहा था कि उसके अंदर राम लिखा है, नहीं लिखा है तो फेंक दिया। प्रभु से कितना अट्रैक्शन, प्रेम। और वो उसके उनके अंदर सारी शक्ति कैसे उनको मालूम, हनुमान जी को पता नहीं था कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। प्रभु से प्रेम करने के बाद जो है उनकी सारी शक्तियां अपने आप अनुभव होने लगता है, प्रभु का काम करने, प्रभु को खुश रखने के लिए। जब करने लगे, जैसे उनका भाई लक्ष्मण का ऐसा घटना घटी, तब उनके दिमाग में कैसे प्रभु को, प्रभु तो दुखी है, प्रभु को कैसे खुश करेंगे। किसी ने कहा एक एक वैद्य ऐसा है जो रावण के दरबार में रावण का पर्सनल वैद्य है, वही केवल निदान दे सकता है। आप समझ लीजिए जिनका शत्रु है रावण, हनुमान को भी पता था, और वही एकमात्र कर सकता है। जब उनको जानकारी में आ गया, वो निकल पड़ा रावण के पास, वो रावण के दरबार में उस वैद्य से मिलने के लिए। जानता था वो हमारे शत्रु के, वो कभी हमारा साथ नहीं देंगे, मगर प्रभु को खुश करने का जो इच्छा मन में प्रबल, जिसकी वजह से वो निकल पड़े और उनको भी अपना सम्मोहन में, उसकी प्रेम, उनका जो समर्पण, उनको भी मोल्ड कर दिया। और वो पता लगा कि वो जड़ी बूटी फलाने जगह पर मिलेगा। और एक बंदर, साधारण बंदर ही थे, बोलते पहाड़ उठाएंगे, पहाड़ तो नहीं उठाएंगे, सारे जंगल उनको पता ही नहीं था कि जड़ी बूटी देखने में कैसा है। वो वैद्य समझता था इसको तो पता ही नहीं था, बंदर इसको बोल देंगे मगर उसको मालूम ही नहीं होगा कहां से जड़ी बूटी आएगा, वो नहीं ला पाएगा। और वो सारे पहाड़ के जितने
पेड़ पौधे सब इकट्ठा कर लिए, और ये पता था कि सूर्य देवता अगर उड़ जाएगा तो काम नहीं करेगा, ये भी पता था। और सूर्य देवता को बोलते हैं कि बगल में कर ली तो कहानी है, मगर सूर्य देवता को भी उन्होंने अपने नियंत्रण में कर लिए, उनके प्रेम भक्ति के द्वारा प्रभु के इच्छा को रक्षा करने के लिए उनको भी अपने अंदर नियंत्रण में ला दिए, और वो ला के उसके बाद ये आज वही बजरंग बली के रूप में संपूर्ण जगत में पूजा होता है, उनको पूजा किया जाता है, क्योंकि जीवंत रूप में उनके साथ जो प्रेम है, कितनी उनके कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। रावण जैसे शक्तिशाली के दरबार में जाके वो बोलते हैं कि जो है पूंछ में आग लगाना, वो आग लगा, आग क्या लगा है, आग लगा के सारा लंका को जला दिए, लंका को जला दिए, प्रभु का बातों को लंका जैसी जगह पर हर व्यक्ति को विश्लेषण करके प्रभु का नाम को वितरित कर दिए, और वही आग जल गया, वही आग संपूर्ण रूप से जल गया। कितना कॉन्फिडेंस है। वही अंगद रावण के दरबार में जब गया और पैर रख के बोलता है, रावण जैसी शक्तिशाली दरबार, बोला हमारा पैर हिला के देखे, रावण के दरबार में जाकर कहते कितनी कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर ग्रो हो जाता है जब हम प्रभु से प्यार करने लगते हैं, उनको अच्छा लगने लगता है, हमको उनको जीवन के रूप में जब पाते हैं तो हमारे अंदर वो भय दूर हो जाता है। यही ठाकुर जी ने किया प्रेम के मार। आज जो स्वामी विवेकानंद को देखिए, उनके परिवार में कितना समस्या था, उनके पिता के मृत्यु के बाद उनको रुपया चाहिए था, पैसा चाहिए था, धन चाहिए था, बहुत खाना पीना सब चाहिए था, और पूरे मंदिर मस्जिद सारा दुनिया भर का संत महात्मा को जो है घूम रहे थे, और उस युग के पुरुषोत्तम से जो युक्त हो गए, युक्त होने के साथ जिसको पूरे देश सब लोग पागल करते थे, उनसे उनका प्रेम पैदा हो गया। और प्रेम पैदा होने से एक भाषण दिए शिकागो में जाके, प्रभु के इच्छा के प्रभु के ध्यान में रखते हुए, और भाषण क्या, वहां भाषण में इतने ज्ञानी गुणी व्यक्ति आते थे, हर साल होता था भाषण, मगर विवेकानंद जब दो लाइन बोलने के बाद भी पूरे सबको सम्मोहन मिला दिया। कौन सा शक्ति? वही प्रभु के प्रति प्रेम का शक्ति। और वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रभु रामकृष्ण ने कर्म कराए, अपने उद्देश्य को पूरा कराए, एक बेलूर मठ बनाने में विवेकानंद जी को कितनी समस्याओं को झेलना पड़ा, बहुत सारी समस्याओं को, पूरे विश्व में भ्रमण करना पड़ा, और विश्व में भ्रमण करने के बाद जो उन्होंने समय निर्धारित किए थे उस समय क्या पार हो गया, फिर वो एक बेलूर मठ तैयार किए। आज कलयुग में श्री ठाकुर जी के रूप में आके आप सब देख रहे हैं, हजारों हजारों की संख्या में एक साधारण सा साधारण मनुष्य, चाहे वो भिखारी हो चाहे जो भी हो, कोई उद्योगपति नहीं करते, साधारण से साधारण मनुष्य कितने मंदिर बना दिए हैं हजारों हजारों की संख्या में, करोड़ों करोड़ों रुपया लगा के। ये ठाकुर जी प्रेम के शक्ति के दागरण करके किए हैं, जिसकी वजह से हम इतना आनंदित है। दादा कीर्तन कर रहे हैं आनंद से, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना डाउन है, वो कितना अप है, उन जीवन में कभी उनका डिप्रेशन नहीं आएगा, कितने भी बड़ी विपत्ति आए, विपत्ति तो आएगा, विपत्ति का रोकने जाएंगे, घर में घुस जाएंगे, दरवाजा बंद कर देंगे, विपत्ति का आ ना पाए तो खिड़की से आ जाएगा, खिड़की बंद कर देंगे, रोशनदान से आ जाएगा, रोशनदान बंद कर देंगे, नाली से आ जाएगा, अगर प्रभु साथ में रहेंगे कहीं भी आप जो है उनके साथ प्रेम करेंगे, पिता अगर साथ में रहेंगे, जीवन की कोई भी विपत्ति हम पार करने में हमको जो है डिप्रेशन नहीं होगा, भय दूर हो जाएगा। यही श्री वरदा में देखिए, श्री वरदा जी का जब भी पुरुषोत्तम आते हैं, किसी एक अपना निकटस्थ भक्त को लेके आते हैं, अपने उद्देश्य को पूरा करने के। ठाकुर जी तो 10,000 साल तक की हम लोगों का जो वो दिया है आचार्य परंपरा, श्री वरदा का ठाकुर जी के प्रति कितना प्रेम है, ठाकुर जी को कभी वो पिता करके बुलाए नहीं है, ठाकुर जी को हमेशा ठाकुर कहते, वो जानते थे वो हमारे पिता नहीं है, पूरे विश्व ब्रह्मांड का पिता है। एक बार ठाकुर जी के पास वो गंजी पहन के चले आए तो बोले कि बरखो का गंजी पहन के तो बहुत अच्छा लगता है, उनके कान में गया, वो सारा जीवन शर्ट पहने नहीं, ऐसा प्रेम। इस तरीके से संपूर्ण प्रेम जब डेवलप होगा, आज श्री वरदा का कितना अवदान है सत्संग को, ठाकुर जी के जाने के बाद सत्संग को इतना विशाल रूप धारा, और सब हम उसका उनका लाभ ले रहे हैं। इसीलिए उस युग के पुरुषोत्तम आते हैं और हम लोगों को सब हरदम निर्देश देते हैं। अभी जो आचार्य देव वर्तमान आचार्य देव हम लोगों को निर्देश दिए, वो निर्देश पालन करते हैं, वो पालन करने से वही एक माध्यम होता है।
वही निर्देश पालन करते करते हमारे चारों तरफ की ग्रह दुराग्रह जितना हमको विनाशकारी शक्ति हमारा है वो ऑटोमेटिकली छट जाता है, ये मैंने देखा, वही उनका सुदर्शन चक्र होता है। और इसीलिए उनका निर्देश को पालन करना, निकल पड़ना उनके लिए, उनका अगर प्यार है तभी कर पाएंगे, भगवान बोल के जाएंगे तो तभी नहीं कर पाएंगे, बहुत सोच लेंगे कैसे होगा, किस तरीके से होगा, हमारा तो ये नहीं है, हमारा तो इस तरीके के भावना में लिप्त रहेंगे समय व्यतीत, क्योंकि समय एक ऐसा चीज है जो दोबारा लौट के नहीं आता, उस समय का प्रयोग किया कि दुरुपयोग किया ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, जितना हम प्रयोग करेंगे उतना हमारी प्राप्ति होगी, और जितनी प्राप्ति होगी हमारा जीवन सुंदर होगा, कोई भी विपत्ति आए हमारे जीवन सुंदरता से दूर नहीं रह सकता, इसीलिए हम इतना सुंदर विशाल सर्वशक्तिमान है, उसी परम दयाल के चरण में सबकी मंगल कामना करता हूं, सब लोगों का जीवन सुंदर है, उनकी काम को करने की मानसिकता सबके अंदर जागृत हो, और उसी मानसिकता के कारण सबके अंदर की सारी शक्तियां जागृत होगी, जब शक्तियां जागृत होगी तो ऑटोमेटिकली जिस क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वो भजन हो, कीर्तन हो, पढ़ाई हो, विज्ञान हो, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में हमको संपूर्णता लाभ कर प्रदान करेगा। इसीलिए परम दयाल से यही प्रार्थना करता हूं, हम हमारी मानसिकता ऐसी बनी रहे ताकि आपसे प्रेम, आपसे लगाव ये हमेशा हमारे जीवन में हम लगा रहे, उसी परम दयाल के चरणों में सबकी मंगल कामना करता हूं। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।